मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की जानिब से। मुजाहिद शेख, आप हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद भी तफसीला जानेंगे। यहाँ पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फयाज मलिक, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, बताइएगा, शोहर को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो दोस्त मुलविस थे उनके हवाले से क्या अपडेट है, उन्हें कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बिल्कुल, मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खसूसी टीमें ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन के डीआईजी की जेर निगरानी मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रहे हैं। कि मैं जब थाने गई हूँ तो मेरे पास मेरे कपड़े फटे हुए थे, मेरे पाँव में जूती नहीं थी, तो मुझसे पुलिस वाले मुकदमे के अंदराज के लिए पैसे मांग रहे थे, रेड करने के लिए पैसे मांग रहे थे। तो उस खातून का यही कहना था, ये उस खातून के अल्फाज हैं नवीद, जो कि उस वीडियो बयान में भी सुने जा सकते हैं, कि मैं मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं थे, पाँव में जूती पहनने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं इन पुलिस वालों को पैसे कहां से देते। तो यहां से बात वाजे हो जाती है, पुलिस के रवैयों में तब्दीली जो है वो सिर्फ बयानात की हद तक है, आला अफसरान की जानिब से किए जाने वाले दावों की हद तक है। और अगर हम इसको ग्राउंड रियलिटी पर देखें तो थाना में जो आम शहरी के साथ सलूक होता है उसमें उसकी तादाद में, उस नॉर्मल सलूक की तादाद में जो है वो इजाफा है, इसमें कमी कतई तौर पर नहीं है।